कृष्णगी। हेलो हेलो, जोहर मैं ताबा बात कर रही हूँ। मैं किसी ताबा को नहीं जानता। जोहर प्लीज प्लीज मुझे पहचानने से इनकार तो मत करो। तुमने फोन क्यों किया? जोहर ये लोग मुझे हेलो हेलो क्या कहा था मैंने? सिर्फ कागजात की बात करना, कोई फालतू बात मत करना। क्या बताने वाली थी उसे तुम? देखो अगर तुम वो कागजात मुझे ला के दे दोगी ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। कौन से कागजात मैं कहाँ से ला कर दूँ जब मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता? बहुत ढीठ लड़की है, पैसा इसे लगता है जान से ज्यादा प्यारा है। अम्मा ये ऐसे नहीं मानती, पड़ी रहने दे इसको। दो चार दिन यहाँ रहेगी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चल तो ऊपर, क्या बुद्ध बन के खड़ी है यहाँ? ऐसा नहीं करो उसके साथ, इसको ऊपर लेके चलो, कैसे रहेगी नीचे बेचारी। तुम अपनी बकवास बंद रखो, बहुत हमदर्दी हो रही है तुम्हें इससे। तुम्हें इसको भी यही बंद कर दो इसके साथ। नहीं अम्मी, मैं चलती हूँ आपके साथ। नहीं प्लीज प्लीज ऐसा मत करें प्लीज। जोहर क्या हुआ बेटा, यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? कुछ नहीं दादो, बस ऐसे ही बैठ गया था, ये हवा चल रही है। कहाँ चल रही है हवा, कितनी घुटन सुकूत, लगता है एक दो दिन में बारिश होगी। बारिश? हाँ बहुत दिन से हुई नहीं। ठीक कह रही हूँ, मौसम काफी खुश है मगर अंदर तो सब जलथल होगा। I'm sorry दादो, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, इसको पता नहीं क्या कहूँ। डिस्टर्ब तो तुम उस दिन से हो जिस दिन से तुमने जाने बूझे बगैर उसको अपनी जिंदगी से निकाल दिया। दादो निका नामा देखने के बाद भी कुछ रह जा, अब रहे ना वो खुश अपनी जिंदगी। मुझे फोन करके क्यों परेशान करेगी? क्या ताबा का फोन आया था? क्या कह रही थी वो? मैंने उसका फोन सुना नहीं और काट। ये क्या किया जोहर, मालूम तो करते वो किस हाल में। मुझे जानने की क्या जरूरत है कि वो किस हाल में। अच्छा मुझे नंबर दो उसका, मैं खुद बात करूंगी। तो मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसको मैंने अपनी जिंदगी से डिलीट कर।
तुम पे मर्द क्यों उतारी है? नहीं अम्मी, छोड़े अम्मा इसे, ये सोचे कागजात कैसे लेने। इतनी सख्ती नहीं करें, कुछ गलत भी हो सकता है, किसी को अगर पता चल गया ना मुसीबत आ जाएगी। और कैसे चलेगा पता? पापा ना यहाँ है ना अनवर के पास, खालिद अंकल चैन से थोड़ी बैठेंगे, वो उसे ढूंढ ही लेंगे। तो तुम ही बताओ वो कागजात हम उससे कैसे हासिल करें? उंगलियां टेढ़ी करने की तब जरूरत पड़ती है जब सामने वाला टेढ़ा हो। मैंने तो महसूस किया वो तो एक सीधी साधी सी लड़की है। हाँ, एक वो सीधी साधी है और एक तू। सीधी तो उससे दोस्ती करना चाह रही हूँ, उससे बहला फुसला के सब मालूम कर लूंगी। तुम ठीक कह रही हो, जाहिर है इन्हें जिंदगी तो आपके साथ ही गुजारनी है ना, और वो जमीन और जायदाद हमें ही मिलेंगी ना। तो फिर हमें क्या करना? मुझ पर भरोसा करें, मैं उससे सब उकलवा लूंगी, लेकिन एक दिन में तो ये सब कुछ नहीं हो सकता ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, लेकिन अगर तुमने हमें भी धोखा दिया तो मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो बाबा के साथ। मैं अपने शौहर को कैसे धोखा दे सकती हूँ? मुझे उससे बात करने दे, बजाहिर उसकी हमदर्द बनी रहूंगी। तुम ये मत समझना कि हमें किसी बात का पता नहीं चलेगा। जानती हूँ, मैं उसके पास जा रही हूँ और उसे लेकर आती हूँ। नीलम, प्लीज मुझे यहाँ से निकाल दो, मेरा दम घुट रहा है, प्लीज। ये मेरे बस में नहीं है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद करके क्यों रखा है नीलम? तुम उनको चाहता के कागजात के बारे में क्यों नहीं बता देती हो? नीलम मेरे यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता, साहब ने मुझे किसी घर या जमीन के कागजात नहीं दिए। वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनको नहीं बताती, तुम दे दो ना उनको कागजात। तो खुद इधर उधर भटक रही हूँ, कागजात कहाँ छुपाऊंगी? तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उनको कागजात का बता दो, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं। अच्छा छोड़ो, मैं तुम्हारा यकीन करती हूँ, मैंने अम्मा और मेहर को भी समझा लिया है, तुम ऊपर आओ मेरे साथ। आओ, तुम्हें मेरा यकीन नहीं है ना, आओ चलो मेरे साथ आओ। सुहेल, दादू बता रही थी कि तुम्हें बाबा की कॉल आई थी। आई थी? आया हूँ। पता नहीं। Come on, सुहेल, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, क्यों नहीं की तुमने? अब क्या बात करता उससे, सब कुछ तो खत्म हो चुका। कम से कम ये पता चल जाता कि वो कहाँ है। मैं और बाबा जान ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए। क्या करोगे अब उसको ढूंढ? अब वो अपने शौहर के पास है, खुशी होगी। चलो ठीक है, मान लिया मैंने वो अनवर के पास है। फिर अनवर रातों रात कैसे गायब हो गया बताओ मुझे। हो सकता है अनवर को भी खौफ हो कि कहीं ताबा उसको भी ना छोड़ के चले। सुहेर, तुम ताबा को ऐसा समझते हो? जो कुछ उसने मेरे साथ किया, एक भी नहीं बल्कि दो बार, उसके बाद मैं उसको क्या समझूं? सॉरी सुहेर, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता, तुम अभी अपने होश में नहीं। और हाँ, अगर ताबा की दोबारा कॉल आए, बेशक बेशक तुम उससे बात मत करना, लेकिन प्लीज उसका नंबर सेव कर लो मेरी खातिर। Thank you.
ऐसे क्या देख रही है? अपने घर नहीं चले? चलो तुम्हें लेने के लिए। मुझे लेने? यहीं रहना। तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझसे नाराज थे ना जरूर। मैं तुमसे नाराज कैसे रह सकता? सरासी बदगुमानी थी जो दूर जान गया कि अनवर झूठ है, जान गया कि तुम्हारा अनवर से कोई निकल नहीं। मेरी सच्चाई पर यकीन आ गया ना। मैं जानती थी कि तुम जान जाओगे कि अनवर झूठा था। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? सुहेल प्लीज मुझे ले जाओ, लोगों ने मुझे कैद किया है। चलो। मैं तुम्हें यहाँ नहीं दूँगा। क्या कर रही हो? साहब ने मना किया है, चलो अंदर। वो चलो चलो रे। हेलो जोहर, मैं ताबा बात कर रही हूँ। मैं किसी ताबा को नहीं जानता। जोहर प्लीज प्लीज मुझे पहचानने से इनकार तो मत करो। तुमने फोन क्यों किया? जोहर ये लोग मुझे और हाँ, अगर ताबा की दोबारा कॉल आए बेशक तुम उससे बात मत करना, लेकिन प्लीज उसका नंबर सेव कर मेरी खातिर। देखते हैं अब तो उसे कितने दिनों में काबू करती है। दिनों में? अम्मा मैं ज्यादा दिन इधर से नहीं रख सकती, फटाफट कागजात लेके इसे यहाँ से निकालना। ऐसे कामों में वक्त तो लगता है ना। अच्छा खासा ऐसे बेसमेंट में रखा, तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही थी, अगले दिन सब कुछ उगल देती। ठीक है फिर जो आप लोग करना चाहते हैं कर लें, मैं तो आओ ताबा बैठ जाओ। तो क्या सोच रहे थे, तुम हमें वो कागजात दे रही हो कि नहीं? मैं दे दूंगी लेकिन। लेकिन क्या? मुझे खुद मालूम करना है कि वो पेपर्स कहाँ हैं। फिर से हमें बेवकूफ बना रही हो? ज्यादा चलाक बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब मालूम है। अगर मुझे सब मालूम होता तो मैं पेपर्स देकर यहाँ से चली जाती, एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकती। देखो हम तुम्हें यहाँ से ऐसे जाने नहीं देंगे, तुम ऐसी कागजात हड़प नहीं कर सकती हो। मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने के लिए कुछ नहीं है। समझा ले अम्मा से, इसके पास आखिरी रात है, अगर इसने अभी भी कुछ ना बताया तो मैं इसका वो हशर करूंगा कि याद रखेगी। देखो मेरा बेटा दिमाग का बहुत टेढ़ा है और जुबान का भी पक्का, जो वो कहता है वही करता है। अगर कल तक तुमने कागजात उसके हवाले ना किए ना तो फिर जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम हो दोगे, समझी? बहुत सख्त दिल लोगे, ये आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। पता है नीलम मुझे सजा क्यों मिल रही है? क्यों? पापा का कारोबार तबाह हो गया था, साफ कयानी ने हमारा कारोबार बचाने के लिए उससे शादी की शर्त रखी। मैं पापा को मुश्किल से बचाना चाहती थी, मैं हाँ करती
पापा ने मुझे बहुत समझाया कि साफ से शादी मत करो, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी। मैं जिनके सर से छत बचाना चाहती थी उनकी जिंदगी मुख्तसर निकली। तुम्हारे साथ वाकई बहुत ज्यादती हुई है। मुसाफ को भी जल्दी चले जाना था, फिर मैं क्यों आंख के इस दरिया में कूदी। पूरा बदन जलकर राख हो गया है, लेकिन अभी तक माफी नहीं मिली। अल्लाह मुझसे नाराज है, मुझसे मदद नहीं ली ना, एक इंसान से मदद मांगी, अल्लाह पर भरोसा नहीं किया। उसी की सजा मिल रही है मुझे, उसी की सजा मिल रही है मुझे। आज मुझे बाजी से बात करनी पड़ेगी, बहुत आंखें दिखा रहा मुझे शहरयार। ताबा को सच्चा साबित करने पर तुला हुआ जैसे वो। आप शहरयार को छोड़ें, मीना को देखें, हर वक्त उनकी हमायत करती रहती है। उसे तो मैं अच्छी तरह सीधा करूंगी, जब भाई साहब को इनकार कर दूंगी ना उसके रिश्ते से तो सारे सीधे हो जाएंगे। कैसे इनकार करेंगे आप उन्हें मेरी इजाजत के बगैर? मीना ज्यादा जबान मत चला, तुम्हारी बहन नताशा है या वो लड़की है? बहन तो मेरी यही है, मगर मैं किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं होने दे सकती। कैसी नाइंसाफी? ये बात तो आप दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। जो कहना है खुल के कहो, ये ढकी छुपी बातें मत करो। अगर मैंने खुलकर कह दिया तो इस घर में हंगामा हो जाएगा। अम्मी कहीं से पता तो नहीं चल गया? अगर पता चल भी गया तो ये कुछ बोलेगी नहीं, इतना तो मैं जानती हूँ। हैरत है मुझे कि आपको इस पर यकीन क्यों। वो कुछ भी कर ले, कुछ भी बोल ले, माँ के खिलाफ तो नहीं बोल सकती ना। रहने दे अम्मी, इसका झुकाव शुरू से ही दादी और शहरयार की तरफ है। मैं तो हर वक्त इसे टोकती हूँ, मेरी बात सुने तब ना। पता नहीं ये जुहेर को अकल कब आएगी। ताबा उसकी जिंदगी से चली भी गई लेकिन एक बार भी मेरी तरफ नजर नहीं डालता। तुम परेशान क्यों हो रही हो नताशा? जुहेर को अपना गम भुलाने का वक्त हो। ताबा को यहाँ से गए हुए दिन ही कितने हुए। मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर मैंने जुहेर को लाकर तुम्हारे कदमों में न डाल दिया तो मेरा नाम भी ना मिले, सब कुछ सीधा कर दूंगी मैं। ना तो बढ़ा तिश्नगी, ना तो बढ़ा तिश्नगी। जुहेर भाई आप कहीं जा रहे हैं? क्यों, कोई काम था? अगर आप किसी से मिलने नहीं जा रहे तो मैं भी चलूं आपके साथ? वॉक पे जा रहा हूँ, आजो। सुहेर भाई आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको मोहब्बत नहीं करनी चाहिए थी? मोहब्बत तो एतबार का नाम होता है, जब एतबार ही नहीं तो मोहब्बत कैसे? तुम कहने क्या चाहती? मुझे एक बात बताएं, अगर कोई शहरयार से आकर ये कहे कि मेरा किसी और शख्स के साथ ताल्लुक है तो क्या वो यकीन कर लेगा? बिल्कुल भी नहीं, उसका मुंह तोड़ देगा और मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो मुझ पर यकीन रखता है, मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। तुम क्या कहना चाह रही हो कि मैं ताबा से मोहब्बत नहीं करता? अगर आप उससे मोहब्बत करते तो किसी अनजान के कहने पर उससे बेयकीन ना होते। तो बेयकीन नहीं हुआ था? बेयकीनी नहीं है तो और क्या है जुहेर भाई, वो कहती रही कि वो झूठी नहीं है, उसका उस इंसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आपने उसका यकीन नहीं किया। मैंने उसका निकाह नामा अपनी आंखों से देखा, काजी ने तस्दीक की थी उस निकाह नामे की। आप कैसे किसी के कहने पर यकीन कर सकते हैं जुहेर भाई? अगर आपकी जगह मैं होती तो कोई लाख मुझे निकाह नामे दिखा देता, मैं उसका यकीन ना करती। मैंने कई बार उसको खुद अपनी आंखों से अनवर के साथ देखा, और तुम क्यों उसकी वकालत करने लगे? मैं क्या वकालत करूंगी उसकी, उसका सबसे बड़ा वकील तो अल्लाह ताला है। अगर वो सच्ची होगी
तो वो उसका मुकदमा लड़ेगा और उसे बरी करवाएगा। हाँ जी, खाले साहब आए, वो आपका पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं बैठा हूँ। सलाम अलैकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ? ये मेरे दोस्त का घर है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अंकल, अब ये मेरा घर है, प्लीज मुझे इधर बार बार आके डिस्टर्ब मत कीजिए। डैड अपना कराची वाला घर और बाकी सारी जमीनें ताबा के नाम पर, ये तो आपको मालूम होगा ना? नहीं, मुझे नहीं मालूम। वैसे भी ये तुम लोगों का खानदानी मामला है। यही तो ज्यादा किया डैड ने, एक गैर के हवाले कर दिया सब कुछ। औसाफ ने कुछ सोचकर ये फैसला किया होगा। कहाँ जा रही है तू? भागने की कोशिश कर रही थी? तुझे तो मैं बता दूँ, तुझे तो मैं बता दूँ, निकल यहाँ से। मैं पूछने आया था ताबा के बारे में, कुछ पता चला? मुझे कोई और काम नहीं है, क्या मैं इधर फारिग बैठा हूँ? तुम्हारे बाप ने उससे निकाह किया था, निकाह की अहमियत जानते हो? जानता हूँ, लेकिन अगर वो किसी ऐसी वैसी औरत के साथ छुपकर निकाह करेंगे तो क्या मैं सबको संभालता फिरूंगा? चलता हूँ, फिर आऊंगा। सॉरी अंकल, आप डैड के दोस्त हैं मेरे, नहीं इधर मुझे बार बार आके ना डिस्टर्ब मत कीजिए करें। तुम मेरे बहुत खास दोस्त के बेटे हो और ये बात मैं भूल नहीं पा रहा। वैसे भी जब तक ताबा का पता नहीं चलता मैं यहाँ आता रहूँगा। अपने बाप के पुराने दोस्त को तुम्हें इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज। अम्मा जान, मैं जानती हूं आप इतनी उदास और परेशान क्यों हैं। आपसे भी जुहेर की यह हालत देखी नहीं जा रही ना? तुम तो जानती हो रजिया कि मुझे जुहेर सारे बच्चों में सबसे ज्यादा अजीज है। जानती हूं अम्मा जान। कैसा मुरझा कर रह गया है। मगर अम्मा जान, हमें उसकी जिंदगी में दोबारा खुशी लाने के लिए उसकी जिंदगी में तब्दीली लानी होगी। तुम्हारा इशारा नताशा की तरफ तो नहीं? आप सही समझ रही हैं, लेकिन वो तो उसके लिए भी राजी नहीं है। तो क्या अगर वो राजी नहीं होगा तो हम उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे? रजिया, कुछ वक्त दो उसे, वक्त हर जख्म भर देता है। नहीं अम्मा जान, उसे अपने बच्चे की यह हालत देखी नहीं जा रही। आप ही कुछ कर सकती हैं, आप ही उसे मना सकती हैं। मैं? हाँ अम्मा जान, आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत इज्जत करता है आपकी। आप उसे समझाएंगी, उसे मनाएंगी तो वो मान जाएगा, आपकी बात नहीं टालेगा वो। जानती हूँ रसिया, लेकिन उसके साथ जबरदस्ती भी तो नहीं की जा सकती। लेकिन हम उसे इस तरह उसके हाल पर भी तो नहीं छोड़ सकते ना? हमें उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी अम्मा जान, वरना वो नताशा को नहीं अपनाएगा। देखो रजिया, ये जो दिल होता है ना, जब किसी के साथ गिरह में बन जाए
तो इसका खोलना इतना आसान नहीं होता। जितना खोलोगी वो उतनी ही सख्ती से बनता चला जाएगा। वो तो बड़ी आसानी से ये गिरा खोलकर चली गई। ये तो तुम कह सकती हो रजिया, मगर सच तो ये है कि हम लोगों ने अपनी जिंदगियों से कैसा निकाल दिया उसे। अच्छा मिट्टी डाले उस पर, वो तो अपनी नई जिंदगी में मजे कर रही होगी। और मेरा बच्चा, अम्मा जान प्लीज प्लीज आप कुछ करें, आप मनाएं जुहेर को। हाँ मैं करूंगी बात उससे। बेचारी नताशा, उसकी जिंदगी तो खामखा में खराब हो गई। बस बहुत हो गया अम्मा, हर वक्त ये शख्स तलवार की तरह मेरे सर पर लटका रहता है और ये मुंह नहीं खोल रही है। बेटा ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, मैं वक्त पर आ गई, वरना ये दरवाजे पर खड़ी तुम दोनों की बातें सुन रही थी, वो तो मैं पकड़ के इसे अंदर ले आई, वरना आज उस शख्स को पता चल जाना था कि ये मनहूस यहाँ पर है। इसीलिए तो मैंने इसे बेसमेंट में बंद किया था। और तुम्हारी ये मनहूस बीवी, इसको तो इससे हमदर्दी हो रही थी। अम्मा मैं तो बस अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, चल मेरे साथ। ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आजा, छोड़ दो। खबरदार कोई मेरे पीछे आया तो चलो। नहीं चलो, कम ऑन, छोड़ दो। छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो, मेरी कहा छोड़ दो। मेरे यकीन करो, मेरे पास कोई पेपर्स नहीं है। झूठ बोलती है तू। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, अगर मेरे पास कोई पेपर्स होते ना तो मैं आप लोगों को दे देती। आप लोगों के हाथ मुझे जलील होने का शौक नहीं है। तू क्या समझती है कि तू वो कागजात छुपा लेगी और तेरा यार तुझे यहां से लेकर चला जाएगा? यहीं दफन कर दूंगा तुझे, भूखी प्यासी मर जाएगी यहीं। पड़े रहे तू यहां पर, मैं अपना हक ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मेरा नाम उमेर कियानी, याद रखना। तो तुम यहाँ पर हमारे साथ हमें बोर करने के लिए आए थे। मेरी कंपनी आपको बोर लगने लगी है। जाहिर है, सारे रास्ते जब खामोशी की ज़बान बोलोगे तो बोरियत नहीं होगी। दादो क्या बात करो, सारे अल्फाज खत्म हो गए और उनके माने भी। बेटा किसी के चले जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी उसी लम्हे ठहर गई थी दादो, जब मुझे पता चला कि मैं जिसके पीछे भाग रहा हूँ तो हम सफर ही कोई और। बेटा ये तुम्हारी गलत फहमी या बदगुमानी भी तो हो सकती है। तुम किसी और टॉपिक पे बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, नताशा की बात करते हैं। दादी प्लीज, नताशा का नाम तो मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में है ही नहीं। बेटा वो तुम्हारी बीवी है, उसके हुकूक और फराइज का ख्याल रखना जरूरी है। अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम जवाब दे हो उसके हुकूक के लिए। और अगर तुम समझते हो कि ताबा ने तुम्हें धोखा दिया है तो ये सोग किस बात का? मैं किसी का सोग नहीं मना रहा। तुम जानते हो ताबा मेरे लिए कैसी थी, बिल्कुल शफाफ पानी की तरह, जिसके आर पार हर चीज बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। लेकिन शायद आपने उस शफाफ पानी के नीचे पत्थरों पे जमी काई नहीं देखी था। ऊपर से शफाफ और नीचे गंदगी, अगर उन पत्थरों पे संभल के ना चलो तो उस काई की वजह से आप मुंह के बल गिर जाते, जैसे मैं गिर गया।
वापस चलो। तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी? दादा उनसे कह दे मुझे अभी और टाइम चाहिए। नताशा के लिए मैं अपनी जिंदगी में जगह नहीं बना पा। आई नीड मोर टाइम। चले खैरियत है? अरे इतनी जल्दी क्यों उठ रही? हाँ वो ऐसे ही बस, तुम ताबा को देख के आओ ना। किस लिए? पूरी रात हो गई है, रात को उसने खाना भी नहीं खाया था, तो तुमने नीचे का स्विच भी ऑफ कर रखा है, कहीं खौफ से मर तो नहीं गई? नहीं मरती वो, तुम जाके अपना काम करोगे, मैं उसे खुद ही देख लूंगी, और खबरदार तुम उसके पास गई तो। अम्मा कह रही थी कि वो जुहेर से नताशा के बारे में बात करेंगी। हाँ कि वो अम्मा जान की बात कभी नहीं टालता। अल्लाह करे कि आपका यकीन बिल्कुल सच हो। अम्मा जान ने मुझसे वादा किया कि वो जुहेर से नताशा के लिए बात करेंगी। लगता है आप दोनों की मॉर्निंग वॉक कभी खत्म नहीं होगी। अरे रजिया, चाहती तो मैं यही थी कि इसकी दुल्हन भी मेरे साथ हो। अम्मा जान, ये कौन सी बड़ी ख्वाहिश है? दुल्हन तो घर पे मौजूद है, और जुहेर की बीवी है नताशा। क्यों जुहेर? अम्मी मैंने आपसे कितनी दफा कहा मुझसे इस तरह की बातें मत किया करें। तुम एक धोखेबाज बेवफा लड़की के लिए अपनी माँ को दुख दोगे? अपनी माँ को? बाजी क्या हुआ? तुम्हारी जान छूट जाए और तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं होगा। बाजी आप कैसी बातें कर रही है? अल्लाह ना करे। जाओ जल्दी डॉक्टर को बताओ। नहीं मम्मी ऐसे मत कहिए। आप जो कहेंगी जैसा कहेंगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। हमेशा दुख देते हो इन्हें, अब वादा करने का कोई फायदा है? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। नहीं, नहीं। परेशान मत हो, पहले से ठीक हूँ मैं। मम्मी आप खुद ही तो मुझे परेशान करती हैं, फिर कहती हैं मैं ठीक हूँ। तो क्या जानबूझकर करती हूँ? ऐसा कब कह रही? बस बेटा ये दिन भी दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। सर जर ऐसी बात पर बैठ जाता। इतनी टेंशन लेती क्यों है मम्मी? तुम्हारी फिक्र खाई जाती है मुझे। इतना क्यों सताते हो अपनी माँ को बेटा? आपकी हर बात मान सब ठीक हो जाए।
खुश? मैं तो तुम्हारी ये बात सुनकर ही खुश होगी बेटा। सलामत रहो, खुश रहो। आप आराम करें, मैं डॉक्टर से पूछूं कोई मेडिसिन चेंज तो नहीं करनी। तो क्या सोचा तुम? क्या सोचूंगी मैं? इंप्रेसिव, भूख और अंधेरे के खौफ से भी तुम्हारा घमंड नहीं गया। मेरी समझ में नहीं आता तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे। मेरे पास किसी प्रॉपर्टी के कागजात नहीं है। झूठ बोलती हो? झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। अगर मेरे पास छोटी सी जायदाद के भी कागजात होते ना तो तुम्हारे मुंह पे दे मारती। जबान चलाती है मेरे साथ? अगर इस खौफ और डर से बड़े बड़े मर जाऊंगी ना तो क्या करूंगी कागजात का? तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? देखो, अभी तुम्हारे मरने का वक्त नहीं है, अभी तुम्हें बहुत हिम्मत बाकी है। ये जुल्म है, तुम्हारे अंदर जरा सी भी इंसानियत नहीं है। एक कमजोर लड़की के साथ ऐसा सलूक करते हुए तुम्हें तरस नहीं आता? तरस? तरस भी आएगा जब तुम मुझे ये बताओगी कि तुमने प्रॉपर्टी के कागजात कहाँ छुपाए या किसको दिए। मैं कुछ नहीं जानती। पड़ी रहो यहाँ पर भूखी प्यासी, मैं शाम को फिर आऊंगा। ओके उमेर, प्लीज मेरा यकीन करो, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। प्लीज दरवाजा बंद मत करो, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे कोई जायदाद नहीं दी। उमेर मैं झूठ नहीं बोल रही, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो। प्लीज उमेर दरवाजा खोलो, उमेर प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दो, खुदा के लिए दरवाजा खोल दो। ना तू बढ़ा तृष्णा।